हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। दोस्तों आज हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पर आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर, जिसमें टॉपिक कवर कर रहे हैं हम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पर हमने अभी तक एक वीडियो बनाया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर आप लोग वहाँ पर देख लीजिए और बेहतर तरीके से मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर समझाने की। उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में जरूर आएगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स देके रिप्लाई देना और शेयर करना कभी ना भूलें। दोस्तों आइए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है, बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एकदम ट्रिक के साथ, एकदम शॉर्ट में इसको सॉल्व करेंगे। जिसे देखा कि यहाँ पर कि ए बी तथा सी ने क्रम से रुपए 20,000 एंड रुपीज एंड रुपए 25 रुपीज तथा 30,000 रुपीज लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक और बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल रुपए 70,000 का लाभ हुआ तो वी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त हुए। यहां पर हमसे उसने ये बात पूछी है दोस्तों कि यहां पर बी को जो लाभ प्राप्त हुआ है वो कितना लाभ प्राप्त हुआ है, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो देख लेते हैं यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखें भी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्टिंग करने के लिए आप क्वेश्चंस को एक बार दो बार पढ़ के जरूर देखें, क्योंकि आप उसको जब पढ़ते हैं तो वहां अप्रोच क्लियर होती है थोड़ी सी बेसिक। आपको क्वेश्चंस का जब फॉर्मूला समझ में आ जाता है कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया गया है, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, देखो इन्होंने अलग अलग समय के लिए लगाया, भिन्न भिन्न क्या है इनका समय है। यदि सेम समय होता तो हम जो पूंजी है उसका रेशियो निकाल लेते, लेकिन यहां पर सेम समय नहीं है, समय क्या है भिन्न भिन्न दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पूंजी दी गई है उस पूंजी को क्या करेंगे इस समय से मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा है जैसे यहां पर 20,000 रुपए दे रखा है, 20,000 मतलब 20,000 रुपए कितने वर्ष के लिए लगाए थे, 3 वर्ष के लिए लगाए थे। ठीक है, उसके बाद दिया उसने 25,000 रुपए कितने वर्ष के लिए लगाए गए, 2 वर्ष के लिए लगाए गए थे। उसके बाद दिया उसने 30,000 रुपए और ये जो लगाए गए थे ये 1 वर्ष के लिए लगाए गए थे। यदि इसका फाइनल रेशो देखूं मैं, इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए यहाँ से, तो बचा कितना यहाँ पर 20, और 20 की वहां कर लेंगे 3 से तो 60 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा और 30 आपका ऐसे रहेगा। यहां से ये 0 फिर कैंसिल आउट हो गया, 0 फिर क्या हो गया कैंसिल आउट हुआ। तो बच्चों यहां से बचा 6:5:3 के बने, 6:5:3 बना। अब हमसे उसने पूछा है कि बी का लाभ कितना है, लेकिन टोटल लाभ कितना है, 70,000 रुपए कुल लाभ था। तो अगर हम बी का निकालें तो इसको ऐड कर लेंगे, यदि इसका हम निकालें कि अनुपातिक योग कितना होगा, 6 और 5 11 और 3 कितना होगा, 14 हुआ। 14 किसके इक्वल बनना है, 14 बना है हमारा 70 के इक्वल, किसके 70,000 के इक्वल। आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 5,000 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, कि 14 × 5 = 70, 5,000 बार कैंसिल आउट हुआ, मतलब एक यूनिट कितना आएगा 500 के इक्वल आएगा और 5,000 के सॉरी। तो पूछा किसका बी का, तो बी कितना है इसमें 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा 25, अर्थात 25,000 रुपए क्या हो जाएगा वी का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में जरूर आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रमन और रहीम ने क्रम से 8 माह और 6 माह के लिए क्रम से रुपए 10,000 तथा रुपए 12,000 से व्यापार करके कुल रुपए 9,500 का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए, मतलब रमन का हमें लाभांश मतलब लाभ प्राप्त करना है, उसका लाभ का अंश कितना है। ठीक है, तो ये चीज को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें भी वही काम करेंगे कि रेशियो अगर हम किसी का बनाते हैं तो रेशियो करने में हमें कैलकुलेशन जो होती है बहुत कम हो जाती है, इसलिए रेशियो बनाना बहुत आसान है। यदि रेशियो वाला टॉपिक आपने नहीं देखा तो मेरे सभी वीडियो डाले हैं उस वहां पर पूरे टॉपिक के, तो आप लोग वहां पर उसको यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जब 2 को हम देखेंगे तो इसने लगाया भाई, रमन ने जो लगाया था वो 8 माह के लिए 10,000 की पूंजी लगाई थी, तो 10,000 कितने माह के लिए 8 के। उसके बाद रहीम ने जो लगाई थी वो 6 माह के लिए 12,000 रुपए लगाए थे, 12,000 रुपए 6 माह लगाए। यदि मैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर लूं तो यहां कितना बनेगा, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 से, तो 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको भी 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 × 2 = 6,
अब यहां से देखें यहां बचा 10 और यहां से कितना बचा 3 3 9 9 यूनिट बचा। टोटल अगर अनुपातिक योग की बात करें तो कितना आएगा 19 के अनुपातिक योग कितना हो गया 19। ये 19 किसके इक्वल होगा 9500 के, तो 9500 कितना हुआ इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं भाई, कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार अर्थात 500 आ जाएगा। मतलब ये 500 जो बना वो एक यूनिट है, लेकिन जो बात कर रहा रमन, रमन की यूनिट कितने है 10, तो इसको 10 तो 10 से उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका जो आंसर बनेगा फाइनल वो बन जाएगा 5000 रुपए। कितना बन जाएगा 5000 रुपए इसका लाभांश बन जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा, यदि समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स देके रिप्लाई जरूर दें आपको क्वेश्चंस कैसे लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं और करने की कोशिश करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहा गया है कि राम और श्याम क्रम से रुपए 60,000 और रुपए 80,000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, परंतु 6 माह बाद राम रुपए 40,000 और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम रुपए 20,000 वापस कर लिया, वर्ष के अंत में रुपए 93,000 का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां पर प्रत्येक का लाभांश पूछा है, कहने का मतलब राम और श्याम का भी क्या पूछा उसने लाभ यहां पर पूछा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं कि इस टाइप पे क्या कहा क्वेश्चन में भी, इसमें कुछ निवेश भी किया गया है और कुछ महीने के बाद वापस भी कर लिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम जब सॉल्व करते हैं तो इस पे विशेष ध्यान रखना होता है। अभी जो 60,000 रुपए लगाए हैं राम ने, 60,000 रुपए वो कितने माह के लिए लगाए गए हैं, वो 6 माह के लिए लगाए, क्योंकि 6 माह बाद फिर लगा रहा है वो कितने 40,000 और, तो ये 6 माह तक लगे रहे। उसके बाद 6 माह के बाद जब 40,000 ऐड कर दिए, मतलब 60,000 ऑलरेडी पहले चल रहे थे, 40 और जमा करें तो कितना होगा 1,00,000 रुपए, और 1,00,000 रुपए जो लगाए हैं वो कितने महीने के लिए लगा दिए, वो 6 महीने के लिए लगा दिए। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगा दिए। आगे उसने कहा कि 80,000 रुपए लगाए श्याम ने, 80,000 रुपए श्याम ने लगाए, कितने माह के लिए लगा दिए उसने, उसने 9 माह तक के लिए लगाए थे, तो 9 माह, क्योंकि उसने कहा कि 9 माह बाद, तो 9 माह तक तो 80,000 रुपए लगे रहे, 9 माह के बाद उसने 20,000 वापस कर ली, तो कितने बचे भाई 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए जो लगाए हैं वो किसके लिए लगा दिए, 3 माह के लिए। कितने माह के लिए, 3 माह के लिए 60,000 रुपए लगा दिए भाई। अगर मैं इन 4 जीरो से इन 4 जीरो को कैंसिल कर दूं और यहां पर 4 जीरो से इन 4 जीरो को कैंसिल कर दूं, तो यहां से कितना बचेगा, 6 6 36 और 6 की गुणा कर लेंगे इससे तो 60, 36 और 60 कितने हो गए 93, 36 और 60 96 सॉरी 96 बना, और यहां से 9 8 72 72 76 18 72 कितने हो गए 90 हो गए। तो दोस्तों यहां पर ये बना, अगर इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये 48 बार कैंसिल आउट, इसको करेंगे तो 40 बार कैंसिल आउट। कहने का मतलब हुआ कि यहां से आ गया 48:45। अगर मैं इसका अनुपातिक योग करूं तो अनुपातिक योग जो बनेगा वो अनुपातिक योग किसके हो जाएगा, वो 93 के हो जाएगा, और 93 जो दे रखा वो किसके इतने दे रखा, वो 93,000 के इक्वल दे रखा है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर लूं तो कितना आ जाएगा यहां पर 1,000 रुपए भाई, एक यूनिट जो है 1,000 रुपए के इक्वल आया है, तो 48 यूनिट किसके इक्वल होगा भाई, राम का उसने पूछा है, मगर राम का अगर हमसे पूछा है तो राम का निकल जाएगा, मतलब 48 × 1,000 तो कितना हो गया 48,000 रुपए बनेगा। और दूसरे का है श्याम का, तो श्याम का जो दे रखा है उसने वो दे रखा है 45, तो 45 गुणा कितना हो जाएगा 1,000, तो कितना होगा 45,000 रुपए। तो दोस्तों ये हो जाएंगे प्रत्येक के लाभांश। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स देके जरूर रिप्लाई दिया करें कि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसा लगा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसको भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि करीना, करिश्मा और सलीमा तीन सहेलियों ने क्रम से रुपए 25,000 रुपए 40,000 रुपए और 30,000 के साथ एक साझे का एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद करीना ने रुपए 15,000 रुपए और निवेश किया तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद रुपए 10,000 वापस कर लिए, और जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद रुपए 20,000 और निवेश किया। वर्ष के अंत में रुपए 1,28,000 का लाभ हुआ, तो करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए भाई। यहाँ पर हमसे क्या पूछा, करीना का जो लाभांश है उसको हमें बताना कि करीना का लाभांश कितना था। तो आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखेंगे भाई इसमें क्वेश्चंस को,
क्वेश्चंस में कहा गया है, ये सॉरी ये जो आपका दे रखा है यहाँ पर बुथरी, ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया। करीना, करिश्मा और सलीमा तीन सहेलियों ने क्रम से रुपए इतने जमा करे हैं। भाई पहले कर लेते हैं कि करिश्मा जो करीना ने है उसने 25,000 रुपए जमा करे, कितने महीने के लिए यह पूंजी उसकी लगी रही, तो यहाँ पर 4 महीने तक ये पूंजी लगी रही, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस उसके बाद जो बचा 8 महीने बचे और 8 महीने में उसने कहा है कि 15,000 रुपए और निवेश कर दिए, तो 15,000 निवेश करें 25 में तो कितने हो गए 40,000, 40,000 रुपए जो 8 महीने के लिए लगा दिए फिर उसने। उसके बाद आगे चलते हैं करिश्मा ने, करिश्मा ने क्या करा 40,000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 40,000 रुपए लगाए उसने, 6 महीने के लिए 40,000 रुपए लगाए। उसके बाद क्या करा उसने, उसके बाद उसने यहाँ पर 10,000 क्या कर लिए वापस कर लिए, तो 10,000 जब वापस करे तो कितने बचे 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए किसने महीना करेंगे 6 महीने के लिए, भाई 6 महीने के लिए 40,000 रुपए लगे तो 6 महीने के लिए 30,000 रुपए लगेंगे। उसके बाद आगे उसने कहा है, उसके बाद हमने देखेंगे यहाँ पर कि सलीमा ने 30,000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए लगाए, तो यहाँ पर लगाएंगे 30 × 8 महीने और प्लस कर देंगे कितना यहां से भाई, उसने फिर कहा है कि इसने 20,000 रुपए और निवेश कर दिए तो कितने हो गए 50,000 रुपए, और 50,000 कितने के लिए लगा दिए 4 महीने के लिए, भी 8 महीने के लिए 30 तो 4 बचे होंगे, 4 महीने के लिए 50,000 रुपए लगा दिए। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूं यहां से तो 25 × 100 और 8 × 32, कहने का मतलब हुआ कि 4,20,000 रुपए यहां से बने। अगर यहां से देखें 6 × 24 का मतलब हुआ 2,40,000 और 3 × 18 मतलब 1,80,000 रुपए, जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा 42,000 रुपए और मतलब 4,20,000 बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें 8 × 24 का मतलब 2,40,000 और 5 × 20 का मतलब हुआ 2,00,000, तो यहां से कितना बना 4,40,000 यहां से इसकी धनराशि बन गई। अगर मैं इन 4 जीरो से इन 4 जीरो कैंसिल आउट कर लेता हूं और इसको 2 से कैंसिल आउट कर लेता हूं तो ये कितना बनेगा यहां पर, ये बन जाएगा अर्थात 21:21 कितना जाएगा 21:21 22 के। अगर मैं इसको क्या कर लेता हूं अनुपातिक योग इसका निकालूं तो अनुपातिक योग जो बनेगा वो कितना हो जाएगा 64 का हो जाएगा, 64 बन जाएगा। 64 जो है वो 64 किसके इक्वल दे रखा, 64 दे रखा 128 के, 128,000 के। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो भाई कैंसिल आउट हो जाएगा 2,000 के, 2,000 बार इसको क्या कर लेंगे कैंसिल आउट कर लेंगे। पूछा किसका, करीना का, तो करीना कितना है 21,000 रुपए, तो यहां लिख देंगे करीना का, करीना का जो भाग होगा वो 2,000 गुणा कितना हो जाएगा 21 और इक्वल आ जाएगा 42,000 रुपए। 42,000 रुपए क्या हो जाएगा उसका लाभांश हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सोल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर दें कि क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा गया कि तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है, उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है, ये बात हमसे यहाँ पर पूछिए दोस्तों। यदि कभी भी आप लोगों को ये क्वेश्चन में इस तरीके से बात की जाए कि क्या हो वहां पर के अलग अलग पूंजी क्रम से 8 माह 10 माह मतलब समय अगर दिया हो और लाभ क्या दिया हो बराबर बराबर दिया हो, तो सीधी सी कहानी है जो पूंजी में जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1/T1 रेशियो 1/T2 और रेशियो 1/T4 और T3। जब लाभ बराबर बांटा जा रहा हो और समय दिया गया हो तो उसमें जो पूंजियों में अनुपात होगा वो ईयर अनुपात हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें कि पूंजी में अनुपात, तो पूंजी में या पूंजी में अनुपात की बात कर लें तो 1/10 कितना हो जाएगा 8 रेशियो 1/10 रेशियो 1/12 बनेगा। इसको हम ये भी कर सकते हैं भी कैंसिल आउट कर लेंगे तो 1/4 बनेगा, ये 1/5 बनेगा और ये 1/12 बन जाएगा, 6 बन जाएगा सॉरी, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4, 5, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, यदि 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे तो वो होगा एलसीएम 60, तो 60 × 1/4 रेशियो 60 × 1/5 रेशियो 60 × 1/6 कैंसिल आउट कर लेंगे इसको 10 बार कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट करेंगे 12 बार, इसको कैंसिल आउट करेंगे 15 बार। कहने का मतलब हुआ कि 15
रेशियो 12 और रेशियो कितना बन जाएगा 10, यही क्या बनेगा पूंजियों में अनुपात हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा गया है कि ए बी तथा सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं, यदि ए की पूंजी 2 वर्ष और बी की पूंजी 1/2 वर्ष अर्थात 2.5 वर्ष तथा सी की पूंजी 1/1/2 वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष के तक लगी रही तो वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए या उन्होंने कितनी पूंजी किस अनुपात में निवेश की थी, यह बात हमसे उसने पूछा है। तो आप ध्यान रखें, जब क्वेश्चंस में टाइम दिया हो और लाभ को बराबर बराबर बांटा गया हो तब हम क्या करेंगे, टाइम का व्युत्क्रम करके उनका रेशियो निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा पूंजियों में अनुपात बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 जब हम सॉल्व करेंगे तो पूंजी में अनुपात की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात यहां पर आप लोग ध्यान रखें कि यहां पर जो टाइम दे रखा है, टाइम कितना 1/2 दे रखा रेशियो, और 1/2 कितना दे रखा है 2.5 वर्ष, तो 2.5 का मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 1 कितना होगा 5/2। ऐसी अगर हम देखें यहां पर ये दे रखा 1.5 वर्ष, 2 × 2 = 1 कितना होगा 3, अर्थात 3/2 कितना हो जाएगा 2, 1/3/2 के। अब ये भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो, 2/5 रेशियो और यहां पर 2/3 रेशियो भी बनेगा। यदि 2, 5 और 3 का हम रेशियो ले हैं, तो यहां पर रेशियो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 बनेगा। तो 30 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहां से बनेगा 30 × 1/2 रेशियो 30 × कितना हो जाएगा 2/5 रेशियो 30 × 2/3। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 6 बार कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 15 बार कैंसिल आउट। तो दोस्तों यहां से जो बनेगा फाइनली, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो यहां से बना 15, ये बना आपको 12 और ये हो जाएगा आपका 20। दोस्तों यही क्या होगा इसमें पूंजियों में अनुपात हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स देके रिप्लाई जरूर दें कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाकर उन सारी वीडियो को वहां से देख लें और बेहतर तरीके से आप लोग जो अपने टॉपिक को कवर कर लें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।